यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। यूपी बोर्ड 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम एक साथ जारी करेगा। पुरानी परंपरा तोड़ते हुए इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट प्रयागराज से नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ से जारी होगा। दोपहर 12 बजे लोकभवन में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए www.uprizults.nic.in पर देख सकते हैं और SMS के जरिए भी 12वीं के छात्र अपना रिजल्ट जान सकते हैं। इसके लिए छात्रों को सबसे पहले मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन अपना कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 12वीं के छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए UP12 उसके बाद स्पेस अपना रोल नंबर लिखकर टोल फ्री नंबर 56263 पर भेजना होगा। और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अशोक, ये 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये तमाम तरह की डिटेल्स तो पहले दी जा चुकी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो और छात्राएं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था, कोरोना संक्रमण के दौरान आपको याद होगा बोर्ड परीक्षाओं की जो कॉपियों का मूल्यांकन कार्य था उसमें थोड़ी बहुत देर देखने को मिली थी, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से निर्देश किया गया कि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगहों पर सेंटर्स में कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कल देर रात सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि लखनऊ में जो लोकभवन है, जो मुख्यमंत्री का सरकारी दफ्तर है, वहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बाकायदा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को लेकर सार्वजनिक घोषणा भी करेंगे। इसके अलावा सरकार की मंशा क्या रही बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर या बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर, उसके बारे में भी सरकार के पक्ष को सामने रखा जाएगा। और दूसरी अहम बात, दोपहर 12 बजे जो तमाम सारे 10वीं और 12वीं के छात्र हैं वो अपना रिजल्ट जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपना रोल नंबर डालकर भी जानकारी उसकी हासिल कर सकेंगे। सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बड़ा मकसद ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ी बहुत देरी देखने को मिली, लेकिन बाद में जब संक्रमण धीरे धीरे आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि बोर्ड परीक्षाओं की जो कॉपियां हैं उसका मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनकी आगे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस बार इंटरमीडिएट की जो छात्र होंगे उनको डिजिटल हस्ताक्षर जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी, ताकि जो आगे उनको एडमिशन लेने हैं स्नातक में या दूसरी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना है उसमें उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो।